जी सर, आपका क्या नाम है? कुलदीप इंसा। आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? मेरे को 5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर ही हो गए मेरे को। 5 साल में बहुत लंबा टाइम होता है 5 साल। क्या आपने कुछ भी गलत होते हुए देखा है डेरा में? जी नहीं, मैंने कुछ गलत होते हुए नहीं देखा, जबकि मैंने अच्छा ही होते हुए देखा है समाज के लिए। और साथ संगत यहाँ पर बहुत ऐसे कार्य करती है जो हमारे समाज के हित के हैं, देशहित के हैं, और यही होते हुए देखा है, कुछ गलत होते हुए कभी नहीं देखा मैंने। आपकी फैमिली में कितने मेंबर जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, फॉलोवर हैं? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है और इन लॉज है मेरे, वो जुड़े हुए हैं। डेरा में जो लड़कियां हैं वो कितनी सेफ हैं? जी, डेरे में सारी ही लड़कियां सेफ हैं। ये तो मतलब मीडिया की ही बात है कि गलत दिखाते हैं उसको, और बाकी डेरे में सारी लड़कियां सेफ हैं। सारी लेडीज़ मेरे यहाँ की, मेरे घर की खुद जाती रही हैं, मैं अपनी वाइफ को खुद ही लेकर के जाता रहा हूँ, और डेरे में ही सेफ है। मुझे तो लगता है दुनिया में और जगह सेफ नहीं है लड़कियाँ। जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी पे जो भी आरोप लगे हुए हैं वो सारे ही बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, और उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात मीडिया दिखाए जो गलत है, सच दिखाना चाहिए सबको, और सारे ही आरोप गलत है, कोई आरोप सही नहीं है। आपका अपने गुरु पे आज के समय में कितना विश्वास है? जी, 100% विश्वास है, और ऐसा गुरु दुनिया में हो नहीं सकता, और गुरु पे पूरा विश्वास है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो महिलाओं के लिए गुरु जी ने आज तक क्या किया है? महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा हमारे गुरु ने ही पहल की है, बेटी बचाओ से लेकर के महिला सशक्तिकरण तक गुरु ने सारे ही स्टेप्स उठाए हुए हैं। और इवन गुरु ने महिलाओं के लिए वो प्रथाएं भी चालू की हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, जिसमें बेटियां ब्याह करके लाती हैं दूल्हे अपने घर पे, उसके लिए सबसे बड़ी पहल शुरू की उन्होंने। और ऐसे लोगों से शादियां करती हैं बेटियां जो विकलांग हैं या अपंग हैं, तो ये सब पहल हमारे गुरु ने शुरू की हैं। और ऐसी पहलें बहुत मतलब बहुत तारीफ़ के काबिल हैं। आपका अपने गुरु पे आज के समय में कितना विश्वास है? जी, आज के समय में भी मुझे मेरे गुरु पे बहुत विश्वास है, मेरी फैमिली पे पूरा विश्वास है अपने गुरु पे, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते और ना ही उन्होंने कभी कुछ गलत किया है। समाज में जैसा कि गुरुजी अभी नहीं है, तो इसके दुष्परिणाम क्या पड़ रहे हैं समाज पर? जी, समाज पे इसके दुष्परिणाम यही है कि एक अच्छा गुरु, एक सच्चा संत होता है, वो सच्ची सीख देता है कि आप ऐसे अच्छे काम कीजिए जो जिससे समाज का भला होता है। जो बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग, जो गुरु ने रोक रखा था नशे के व्यापारियों को, या रोकथाम लगा रखी थी जो भी उनके हद में था, वो सब फ्री माइंड घूम रहे हैं, और हद से ज़्यादा नशा बढ़ गया है हमारे समाज में। हम देखते हैं कि यूथ ज़्यादातर जो है नशे का शिकार बनता चला जा रहा है। जी,